हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ हल्दी, अदरक और नींबू के चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चाय हमें कोल्ड और फ्लू से तो बचाएगा ही, साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। और ये चाय बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखी चीज़ों से ही इस चाय को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो कुछ ही मिनटों में ये चाय तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनाना। इम्यून बूस्टर चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा इंच हल्दी का टुकड़ा, आधे से भी आधा अदरक का टुकड़ा, और दोनों चीज़ों को मैंने पतला पतला काट लिया है, तो काफ़ी पतला काटा है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है, तो ज़रूरत के अनुसार इसे हम यूज़ करेंगे। और साथ में यहाँ पर मैंने 10 काली मिर्च के दाने लिए हैं, जिसे मैंने फ्रेश ही कूट लिया है। और इन सभी चीज़ों से बनाएंगे हम चाय, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग करेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, तो 1.5 कप के करीब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, पानी में बॉयल आने देंगे। और यहाँ पे जो हमने नींबू लिया है, इसके हम छिलके का यूज करेंगे, तो ये जो इसका छिलका होता है, इसे हम चाय में डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधे नींबू का छिलका उतार लिया है और ये डालते हैं। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं डाल देती हूँ सारी चीजें। और साथ में डाल देंगे काली मिर्च, तो 10 काली मिर्च के दाने जो मैंने लिए थे वो इसमें डाल रही हूँ। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट बॉयल कर लेंगे। ढककर ही बॉयल करना है और गैस के फ्लेम को लो रखना है। 3 से 4 मिनट मैंने बॉईल कर लिया है चाय को और अब इसका ढक्कन हटा लेते हैं। गैस को करेंगे बंद और ये हमारी चाय बनके तैयार है। और एक स्ट्रेनर की हेल्प से चाय को हम छान लेंगे। और ये देखिए हमारी हल्दी वाली चाय बनके तैयार है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बूंद नींबू का रस, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ में आधा चम्मच शहद मिला लेंगे। और यहाँ पर मैंने शहद को मिला लिया है। अदरक, हल्दी और नींबू से बनकर हमारी ये हेल्दी चाय बनके तैयार है। और ये चाय हमें कफ, कोल्ड, फ्लू से तो बचाएगी, साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। तो इस तरीके से चाय ज़रूर बनाइए और घर में सभी को बनाकर पिलाइए। बनाने में बहुत ही आसान है और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये इम्यून बूस्टर चाय आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।